राजमा। ये दाल है जी। मम्मी देख रही होगी ना तो आपकी आज हड्डियां तोड़ेगी। एक टाइम का खाना आपने बाहर का पैसा वेस्ट करके खाया ना। शायद मेरे को ऐसा भी फील होता है कि जहाँ लेडीज होती है तो पक्का जरूर आते हैं लोग, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर वो कर देते, साइड हो जाते हैं। ये चीजें होती हैं भाई, तो जो बीतता है मैं वही बोलती हूँ। दिल्ली वाले तो मोमो ज्यादा खाते हैं या कोई छोले भटूरे छोले कुलचे? आपको नहीं कोई एमसीडी वाला की मतलब पतंग कर रहा है? बिल्कुल, कल बिल्कुल लेकर आऊंगा, मेरी भाई गुस्सा हो रही है। भाई आज हम आए मयूर विहार वायरल दीदी के पास आए हैं, जो अनलिमिटेड 70 रुपए की थाली दे रही है। हम भी उनकी काफी स्टोरी से इंस्पायर हुए, हमने सोचा यार उनकी वीडियो आगे बढ़ानी चाहिए और काफी लोग अच्छा तारीफ कर रहे हैं। भाई अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ ना तो मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन है, जिसको पॉकेट 1 के नाम से भी जाना जाता है। उससे 150 या 100 मीटर की दूरी पे जो है ना रेड लाइट है, उसके लेफ्ट साइड में जो है ना शीतल दीदी की दुकान लग रही है और 70 रुपए में अनलिमिटेड है। जितना मर्जी उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वेस्ट नहीं करना मेरे भाई, जितना मर्जी खाना है। और जेन्युइन रिव्यू देंगे दोस्त, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। चलो शीतल दीदी। हाँ जी, आप कैसे? जय गुरु। मैंने काफी आपकी वीडियो देखी कि आप काफी फेमस हो रहे हैं। आप भी फेमस तो भाई आप लोग कर रहे हैं और साथ में गुरु जी हैं। जी बिल्कुल, गुरु जी तो साथ में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे अभी फेमस हो रहे हो तो आपको नहीं कोई एमसीडी वाला की मतलब पतंग कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। इसने अभी तो कोई आगे कोई पिछले कोई नहीं बोला? कोई भी नहीं। बीच में थोड़ा सा जैसे वीडियो वायरल हुई 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं, तो मेरे गुरु जी हैं मेरे सपोर्ट के लिए, वो हैं। आप जैसे आपने भी 70 की थाली लगा रखी है तो आप अचानक से एकदम से 200 की 300 की तो नहीं करते, क्योंकि लोग ना फेमस होने के बाद ना प्राइस बहुत ज्यादा? देखो वो फिर रॉन्ग है, वो पैसा कमा रहे फिर इसका मतलब ये है, क्योंकि पैसा कमाने की फिर वो कहते हैं ना लिमिट नहीं होती, क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो आप ये सोचो कि मैं फेमस हुई हूँ, काम मौका भगवान एक बार देता है, बार बार नहीं देता। आप उसका नजर फायदा उठाओगे तो गलत ही होगा ना, ये बात है। तो हम तो ये कहते हैं मेरा मालिक उतना दे के उसी में हमारा गुजारा हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि देखो जब काम बढ़ चलता है तो इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, चालू हो जाती हैं, मानते ना, तो इच्छाएं बढ़ाना या सोचना कोई गलत तो है नहीं। आपको क्या क्या अभी खाने के लिए? जी बिल्कुल दिखाती हूँ मैं खाना। थोड़ा सा माइंड वो हो गया बच्ची के कारण तो मैं ज्यादा चीजें बना नहीं पाई हूँ। बेटी गिर गई स्टूडियो से। अच्छा, ओहो। अच्छा, ये घर वाला स्वाद है। ये क्या है? ये दाल है चने उड़द वाली। ठीक है, और ये लौकी की सब्जी है। तो एक आधा सब्जी रोटेशनल चेंज होती है या नहीं होती है? बिल्कुल चेंज होती है, हर वीडियो में देख सकते हैं आप, चेंज करते हो मैं। ठीक है, एक बार बता दीजिए क्या क्या है जरा। जी बिल्कुल, ये राजमा है। ठीक है जी, देख सकते हैं। तो जैसे आज आपने राजमा रख रखा, कल छोले भी मिल सकते हैं? छोले मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं राजमा नहीं बनाऊंगी, राजमा तो मेरा फिक्स ही है। ये फिक्स कर रखा है। हाँ। और सूखी सब्जी में चेंज हो जाता है? सब चेंज होता है। ठीक है जी, इसमें चावल भी हैं लेकिन ये भैया नहीं खा रहे तो उसके लिए तो फिर रोटी एक्स्ट्रा हो जाती होगी। कोई बात नहीं, वो जितना खाए पेट में ही खाएंगे, बस ये कहूँगी। ये लग गई है थाली भैया जी, ये लीजिए। जय गुरु जी। अच्छा, आ दूँ आपको? हाँ देखते। मेरा नाम शाहिद अली है। अच्छा, पहली बार है? नहीं नहीं, मैं यहाँ 6ठी बार आया हूँ, बगल में ही रहता हूँ। दीदी को देखा मैंने, काफी भीड़ रहती है, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना। मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता था, फिर मेरी निगाह एक दिन पड़ गई थी दीदी को, और खाना खाता हूँ मैं तो, फैमिली भी आने वाली है। अच्छा। संडे को मेरी फैमिली आ रही है दीदी से मिलने के लिए। बहुत अच्छा, मतलब घर जैसा खाना है, बहुत स्वादिष्ट खाना है। बेहतरीन सारी सब्जी एकदम। ये दाल है, चने की दाल है, ये लौकी है, राजमा है, चावल भी हैं। सब्जी चेंज करते हैं रोज। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने दुकान खोली थी तो उस समय भीड़ उड़ाती थी, तो उस समय थोड़ा कैसा लगता था? मतलब डर और लगता था या आती थी भीड़? नहीं आती, लोगों का रिस्पांस नहीं आता था? नहीं, देखो मैं ये कहूँगी, पहले दिन मेरी 500-600 का काम हुआ था। ठीक है, फिर लोगों ने बोला कि लोगों को तो बहुत बहुत टाइम हो जाता काम लगाने में, आपको पहले दिन ही रिस्पांस मिला। लेकिन वो 600 रुपये मैं सारा दिन की दिहाड़ी समझती, अपने खाने का वो समझती, सारा खाना बचा हुआ था मेरा। ठीक है, ये था। अब फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जब कहते हैं ना, जब कोई भी नई चीज़ शुरू करो ना तो पहले क्या मोटिवेट को बढ़ाते हैं। जी जी। आएंगे लोग, देखेंगे, और शायद मेरे को ऐसा भी फील होता है कि जहाँ लेडीज होती है तो पक्का ज़रूर आते हैं लोग, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर वो कर देते, साइड हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं भाई, तो जो बीतता है मैं वही बोलती हूँ। ऐसे लगता है कि जहाँ पर मतलब थोड़ा सा लगता है कि काम चलेगा, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक का दुक्का चलता रहता था, पर खाना बचता था तो तकलीफ तो होती है ना। ये
और दुकान की टाइमिंग की अगर बात करी जाए तो कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? मेरी पहले तो देखो 7 भी बज जाते थे, 6:30-7 सर्दियों में भी बैठे ही रही हूँ, तो अब तो जल्दी हो जाता गुरु मालिक की कृपा से, ये 4:30 हो जाता। हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं सवाल ही नहीं उठ सकता। ये दाल है, दाल चने उड़द वाली दाल है भैया जी, अनलिमिटेड है ना, बाद में ले, बाद में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, दोहरा है। राइस नहीं खाने ना आपको? राइस डाल दीजिए, थोड़े से डाल दीजिए। और ये लौकी है। अच्छा। मैं कम खाना लाई हूँ, मतलब सूखी सब्जी, क्योंकि बच्ची को जैसे चोट लगी तो जो था मैंने वही। हाँ इसलिए सैलेड भी डाल दीजिए, सैलेड में थोड़ा खाना पसंद जी। बिल्कुल। अच्छा कौन सा चार? मिर्ची का। अच्छा मिर्ची का। हाँ जी, ये राइस आप बताना और ले लेना, वरना दे दो थोड़ा। जी हाँ बस थोड़ा सा, बस राइस मेरा लक्ष्मी चावल है, बासमती नहीं है, बासमती अच्छा। लगा रही थी पहले, अब नहीं है। ये लीजिए फुल्का, ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड है जी। जय गुरु जय। बाकी राहुल भाई मेरे साथ है तो दोनों लोग टेस्ट करके आपको बताएंगे किस तरीके का है। और दोस्तों एकदम हॉनेस्ट रिव्यू देंगे, उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, जिस तरीके का स्वाद होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और लोकेशन और टाइमिंग जो है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो आओ भाई के साथ टाइमिंग जरा मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। देखो घर वाली जो रोटी होती है, जो जिस तरीके से मम्मी लोग बनाती है ना, तो इसी तरीके से बना रखा भाई, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। देखो दाल जो होती है, देखो कितना प्यारा से दाल है। और भाई जितने बार आपका मन है ना उतनी बार आप मांग सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि दोस्तों वेस्ट नहीं करना। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि भाई जितना खा सकते हो उतना आप मांगना, ये नहीं कि आपने ज़्यादातर रोटी ले ली या चावल ले लिया और उसके बाद वेस्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। बाकी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ जो वाकई में घर वाला जैसा स्वाद है या नहीं है। भाई ठीक है, जिस तरीके से आप कहोगे ना थोड़ा सा चटपटा चाहिए दाल, तो दोस्त चटपटा नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा मीठी दाल टाइप की होती है ना, उस तरीके की दाल हो रखी है तो मजा आ रहा है। बाकी एक बार मैं राजमा से टेस्ट करके देख लेता हूँ किस तरीके का है। अब थोड़ा जो इसको कभी चटपटा खाना होता है ना, तो भाई उसके लिए थोड़ी माफी मांगूंगा मैं। बाकी ठीक है, खा सकते हो यार। ये है भाई राजमा चटपटा, मैं बोल सकता हूँ। दाल जो थी वो ठीक थी, लेकिन राजमा जो है ना, जिस तरीके से राजमा और छोले का कॉम्बिनेशन होता है, कहते हैं कि भाई थोड़ा चटपटा होना चाहिए, वो है। बाकी ये वाली सब्जी, सलाद और चावल राहुल भाई टेस्ट करके आपको बताएंगे दोस्तों किस तरीके का हो रहा है। मेरे को प्रिंस भाई ने मेरे को जिम्मा दे दिया कि भाई टेस्ट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। पहले तो मैं चावल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? पर मैं थोड़ा सा यार एक वो ले लेता हूँ, स्पून ले लेता हूँ, ठीक है? मैं दाल के साथ एक बार टेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को चावल थोड़े ज़्यादा पसंद है। चावल के साथ एक बार मैं टेस्ट करता हूँ। ऑडियंस को सच रिव्यू जानना है आपका। सच ही बताऊंगा भाई, मैं सच ही बताता हूँ भाई, मेरे को अच्छा लगा जो उन्होंने कहा ना कि थोड़ा सा जो टेस्ट मेरे को लगा वो इसका मेरे को ठीक लगा, दाल का मेरे हिसाब से ठीक है। तो भाई को थोड़ा सा चटपटी दाल ज़्यादा पसंद है, पर मेरे को तो अच्छा लगी, चावल के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन। जो मैंने जितनी भी अनलिमिटेड फूल थाली खाई ना, तो उसमें जो दाल होती है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मेरे को जो बनाना है ये घर वाली फीलिंग सच में है इसमें जेन्युइनली है। मम्मी देख रही होगी ना तो आपकी आज हड्डियां तोड़ेगी, एक टाइम का खाना आपने बाहर का पैसा वेस्ट करके खाया ना भाई। घर का इंसान खा के बोर हो जाता है कभी कभी, बाहर का भी खाना चाहिए। स्वाद कैसा है भाई इसका? अच्छा है, अच्छा है। और सलाद थोड़ा सा मिर्च है, लेकिन मैं मिर्च वाला खा लेता हूँ, बाकी जो इसको ज्यादा मिर्च लगेगी थोड़ा वो उसके बाद वो ये आप सैलेड भी खा सकते हो, थोड़ा आपको कम हो जाएगा। आप चावल ज्यादा खा लीजिए, अगर आप इनको रायता होता, रायता आप मिर्च साथ खा लेंगे तो आपको थोड़ा सा कम भी तीखा लग सकता है, लेकिन थोड़ा तीखा है और मेरे को अच्छा लगा चीज का खाके। रायता का सब्स्टिट्यूट है भाई पानी रख रखा है, गर्मी है जम के पानी पियो जितना मन करे भाई। ये अच्छा है, अगर आपको वो खाने ना ये खाइए, क्या बोलते हैं इसको है। अचार, अचार। और अच्छी बात भी है ना, आप कितनी बार जैसा प्रिंस भाई ने बोला ना भाई, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि आप आपके प्लेट में तो आ जाएगा, लेकिन खाना भी पड़ेगा। और चाव से खाइए, और ये इसलिए नहीं कि भाई आपको मतलब
ज्यादा मिल रहा है आप खा के वेस्ट कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए, तो वो बेकार चीज़ है। अनलिमिटेड का मतलब आप जितना पेट भर के खा सकते हैं, आपको ज्यादा बार पैसे देने नहीं पड़ेंगे, लेकिन उतना ही खाइए जितना आपको पेट अलाउ करे, और आपको मतलब पेट इसमें खाली बचे ना, एक अन भी बचना नहीं चाहिए। भाई लौकी की सब्जी इन जनरल लोग अच्छी नहीं बना पाते हैं, लेकिन ये अच्छी है, ये अच्छी है। लौकी की सब्जी लोग वैसे भी बचते हैं, लौकी और टिंडे से बचते हैं, लेकिन ये बचने वाली नहीं है, ये अच्छी खाने वाली है। अगर आपको टिंडे में थोड़ा सूखी सब्जी पसंद है ना, थोड़ा सा घी है, टिंडे तोरी वगैरह पसंद है, तो आपको अच्छी लगेगी जनरली, और ये उसके साथ तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे आइए ज़रूर, एक बार यहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिए। अगर आप इस बार मयूर विहार फेज में रहते हैं या लक्ष्मी नगर के आसपास रहते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको आना ही चाहिए मेरे हिसाब से ये लगता है। और थोड़ा सा दीदी को सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए और आइए ज़रूर एक बार खाने के लिए। बाकी मोमोज आपने काफ़ी खा लिए, छोले भटूरे आपने काफ़ी खा लिए, एक बार आप घर का फल खाना भी एक बार बाहर से टेस्ट करके देखिए दूसरा लोग कैसे बनाते हैं, हर घर के हाथ का टेस्ट अलग होता है। इसलिए आइए ज़रूर और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।